प्रिय श्रोतागण एवं मित्रों, शुभ आशीर्वाद। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस प्यार सने के साथ आप लोग प्रोग्राम को हमारे देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, इसीलिए धन्यवाद दोस्तों। इसी प्यार के कारण मेरे प्रत्येक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, फिर भी मैं बोल देता हूँ, मेरा फ़ोन नंबर 9425308111। ये फ़ोन नंबर इसलिए देता हूँ कि किसी भी मित्र को अपने कुंडली का मेरे द्वारा विश्लेषण कराना है तो संपर्क करिए, उसके लिए थोड़ा सा आपको सहयोग राशि देना होगा, वो मुझसे पूछ लेंगे, सहयोग राशि देंगे, मैं पूरा विवेचन कर दूंगा। अगर वीडियो संबंधी कोई प्रश्न है तो आप मुझसे करिए, मैं फ्री सेवा कर दूंगा। आज आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ राहु ग्रह का आप लोगों के राशियों से क्या संबंध रहता है, क्या लाभ देता है, क्या हानि देता है, क्या प्रभाव देता है, सुनिए। जिसका मेष राशि का राहु है, ऐसे लोग मानसिक, पारिवारिक, दिमागी संबंधी उलझनों से परेशान रहते हैं। जिसका वृषभ राशि का राहु है, ऐसे लोग अक्षमातिक धन पाते हैं, अच्छी उन्नति करते हैं, अच्छा यश कीर्ति प्राप्त करते हैं। जिसका मिथुन राशि का राहु है, वो राजा के समान सुख पाता है, माता पिता से सुख पाता है, माता पिता से भी धन दौलत प्राप्त करता है, बहुत कम उम्र में स्वावलंबी हो जाता है, ऐसे लोग कभी गरीबी नहीं देखते। जिसका कर्क राशि का राहु है, ऐसे लोग हमेशा आर्थिक परेशानियों में रहते हैं, ऐसे लोग विवादों में रहते हैं, ऐसे लोग परिश्रम का सही लाभ नहीं ले पाते। जिसका सिंह राशि का राहु बैठा हुआ है, ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, मेहनती होते हैं, कर्मठ होते हैं और कभी बेरोजगार नहीं रहते। जिसका कन्या राशि का राहु बैठा हुआ है, ऐसे लोग शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं, ऐसे लोग केस मुकदमा में विजय प्राप्त करते हैं, ऐसे लोग शत्रुओं को भी मित्र बनाते हैं और कभी जेल नहीं जाते हैं, कभी चरित्र खराब नहीं होता। जिसका तुला राशि का राहु बैठा हुआ है, ऐसे लोग का व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा नहीं होता है, विचारों का मतभेद बना रहता है, ऐसे लोग के हाथ से अक्षमातिक धन हानि हो जाती है, ऐसे लोग अवसर का सही लाभ नहीं ले पाते हैं और हमेशा एक के बाद एक संघर्ष का सामना करते रहते हैं। जिसका वृश्चिक राशि का राहु बैठा हुआ हो, वो उदर रोग से पीड़ित रहता है, दिमागी चंचलता रहती है, दिमागी स्थिरता नहीं रहता है, ऐसे लोग किसी पर जल्द विश्वास नहीं करते हैं, जिसके कारण इनके जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है। जिसका धनुराशि का राहु है, ऐसे लोग नौकरी में सस्पेंड हो जाते हैं, व्यापार में घाटा खा जाते हैं, राजनीति में असफल हो जाते हैं, इनका करियर बर्बाद हो जाता है। जिसका मकर राशि का राहु बैठा हुआ है, ऐसे लोग स्वतंत्र विचार के होते हैं, व्यापारी विचार के होते हैं, व्यापार के द्वारा ही अपनी उन्नति करते हैं, अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। जिसका कुंभ राशि का राहु है, ऐसे लोग कम परिश्रम में अधिक लाभ लेते हैं, ऐसे लोग को गुप्त धन की प्राप्ति होती है, ऐसे व्यक्ति छोटी नौकरी करके उच्च पद की प्राप्ति करते हैं और समाज में अच्छा यश कीर्ति प्राप्त करते हैं। जिसका मीन राशि का राहु है, ये चौथापन विवादों में रहता है, इनका जीवन कर्जे में ही व्यतीत होता है, खर्चीले होते हैं, गलत तरीके से धन अपव्यय करते हैं, जिसके कारण हमेशा मुसीबतों में रहते हैं। ये छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इसको सुनिए,
इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मुझसे संपर्क में फोन पर करिएगा। आपसे इतना कह के विदा ले रहा हूँ। नमस्कार।